The internet is full of bro science fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar, I am Dr. Paramjit. and you are watching Dr. Education and today we will talk about लोगों की गला खराब होता है बच्चों के टॉन्सिल खराब होते हैं किसी को लगता है गले के पीछे कुछ दिख रहा है कोई मोटा मोटा है गोला गोला है क्या वो टॉन्सिल है क्या वो फेरिंग फेरिंगजाइटिस है एलर्जिक राइनाइटिस है क्या है वो गला खराब है या कई लोग बहुत ज़्यादा दिनों से परेशान है कि भाई मेरे को कैंसर तो नहीं हो गया कई लोग ऐसे आते हैं गले में खराश है गले में खराश है कुछ अटका हुआ है क्या वो पी है क्या वो जी ई आर डी है गैस्ट्रो रिफ्लक्स डिजीज वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं पीएनडी में हमने समझाया पी एनडी वाला वीडियो आपने देखा होगा नहीं देखा तो देख लो सवाल पैदा होता है गले के अंदर इनफेक्शन का और इसमें दो इन्फेक्शन जो है बहुत कॉमन चाहे बच्चे हो बूढ़े हो नौजवान हो फेरेंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस तो क्या है फेरेंजाइटिस क्या है टॉन्सिलाइटिस इसके बारे में आज बात करेंगे तुरंत तुरंत फटाफट और शुरू करते हैं <coughs> दोस्तों फैरेंजाइटिस दोनों और टॉन्सिलाइटिस दोनों इन्फेक्शन है जिससे कि आपके गले के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है और इसके अंदर अगर आपके टॉन्सिल्स यानी कि आपके गले के पीछे मौजूद दो गोले ऐसे साइड में जो पीछे साइड के गले के टंग के पीछे गोले हैं ऐसे वो गोले जो है वो लिम्फ लिम्फ ग्लैंड हैं टॉन्सिल्स हैं बड़े बड़े हो सकते हैं किसी किसी में बच्चे में अगर ये इन्फ्लेम हो जाए इफेक्ट हो जाए तो इसको कहते हैं टॉन्सिलाइटिस अकेला अगर उसके पीछे की जगह जो है उसके पीछे की जगह वो अफेक्ट होती है तो वो फेरेंजाइटिस अगर दोनों हो जाए तो फेरेंजो टॉन्सिलाइटिस बहुत अच्छे ऐसा क्या अब ये इन्फेक्शन जो है ज्यादातर केस में खांसी के साथ ख बोलने से भी बाहर निकल जाता है ठीक है तो खांसी के साथ बाहर निकलता है ज़्यादातर ये विंटर या कोल्ड मंथ्स में होता है गले के अंदर कंजेशंस में ठंडी ठंडी ए में बैठने से भी हो सकता है तो गर्मी में भी हो सकता है आप ए में बैठे हो गला ड्राई हो रहा है सवाल पैदा होता है कि ऐसा होता क्यों है हमारे साथ ही क्यों हमने कौन से पाप किए तो पाप नहीं किया आपने। आप बस शिकार हो रहे हो साजिश है साजिश किसकी है गवर्नमेंट की नहीं है डॉक्टरों की भी नहीं है यह साजिश है बैक्टीरिया और वायरस की जी हाँ बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोकोकस और सबसे कॉमन इसके अंदर जो है आपके वायरस वायरसेस में फ्लू के सबसे कॉमन वायरस होते हैं फ्लू इन्फ्लुएंजा और बाकी दो चार प्रकार के कोरोना वायरस भी है जी हाँ याद रखिए कोविड नाइनटीन कोरोना का नया वर्जन है पुराने कोरोना वायरस जो है आपका गला खराब करते हैं फ्लू करते हैं वो नॉर्मल से है <clears throat> फंगल इन्फेक्शन भी होता है पैरासाइट भी होता है और भाई साहब खुद की करनी भी होती है स्मोकिंग से धूल मिट्टी से धूल मिट्टी में काम करने वाले लोग पॉल्यूशन में काम करने वाले लोग सिगरेट बीड़ी तंबाकू खाने वाले लोग वो अपनी ऐसी खुद करते हैं ये कारण है सिम्टम क्या होंगे अगर आपके टॉन्सिल या फेरिंग अगर आपके टॉन्सिल्स और फेरिंग्स अफेक्ट हो जाए तो सिम्टम्स वेरी कर सकते हैं वेरी मतलब थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन कुछ कॉमन सिम्टम भी है कॉमन सिम्टम क्या है कॉमन सिम्टम नंबर वन सोर थ्रोट गला खराब होगा बुखार होगा किसी को भूख लगने में दिक्कत हो सकती है फीलिंग हो सकती है मैलेज की वीकनेस की नौजिया वॉमिटिंग पेट में गड़बड़ पेट फूल पेट में दर्द गले में दर्द रेडनेस ड्रेनेज इन द्रोट खर खराहट कुछ भी हो सकता है इनमें सर में दर्द भी हो सकता है कई बार सब होता है कई बार दो चार चीज़ें होती हैं इनमें से दोनों तो बिग डील किसी में तुरंत शुरू होते हैं किसी में धीरे धीरे शुरू होते हैं फैरेंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस में ये दोनों सिम्टम्स होते हैं कई में कुछ कई में कुछ अल्टीमेटली गले के पीछे देख के समझ में आता है पीछे कि आपको फैरिंग्स ही इन्वॉल्व है या फिर टॉन्सिल्स हैं या दोनों हैं डायग्नोस जैसे हमने कहा इसको पीछे से देख के किया जाता है और ये देख ये बताना बहुत मुश्किल होता है कि भाई ये वायरस के वजह से है या बैक्टीरिया के वजह से है ये याद रखिए यहाँ पर आपका एंटीबायोटिक देना है कि नहीं देना है ये बहुत बड़ा डिसीजन है ये डिसीजन आपके डॉक्टर लेते हैं और कई लोग खुद से ले लेते हैं खुद से ले लेते हैं कि डाओ केमिस्ट भाई साहब हमारा गला खराब है दवाई दे दो केमिस्ट भाई साहब क्या कहते हैं पूरे कोर्स की जगह दो गोलियां बांट देते हैं फिर वो दो गोलियां जो है आधी अदाई लड़ाई लड़के आ जाती है और ड्रग रेजिस्टेंस हो जाता है फिर आगे अगली बार वही दवा लेते हो फिर वही लेते हो फिर वही लेते हो और चौथी पांचवी बार से वो दवाई असर करना बंद कर देती है फिर जब आप वो बैक्टीरिया को खाँसते हो और दूसरे को देते हो वो दूसरे को भी वो दवाई असर नहीं करती वो गरीब ने तो आज तक कभी दवाई नहीं ली थी लेकिन आप उसके ऊपर वो दवाई असर नहीं करती इसे कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और गलती किसकी है आपकी और गलती किसकी है उस केमिस्ट की तो जय माता दी बोल के केमिस्ट काम चलाए जा रहे हैं अपना इंडिया में भ्रष्टाचार और ऐसे कुकरम चलते रहते हैं जी हाँ इसको हम कुकर्मी कहेंगे क्योंकि आप अपने तरफ से दूसरों का ऐसी तैसी करते हैं सिर्फ अपने डॉक्टर की एक फीस बचाने के लिए या फिर दो रुपये की दवाई की ज़्यादा दवाई नहीं पूरा कोर्स ना कंप्लीट करने के so, सो अगर आप समझदार हैं तो आप समझ रहे हैं हमारा इशारा अगर नहीं समझदार हो तो फिर आपको सारे खून माफ़ है ठीक है खैर एनी वेट्स पॉइंट हियर इज़ कि इस तरह से डायग्नोस करना बहुत जरूरी है गले को देखना बहुत जरूरी है और ऑनलाइन कंसल्टेशन में गले की फोटो भेजना बहुत जरूरी है गले के अंदर टॉर्च चालू करके या फ्लैश चालू करके पिक्चर्स लेनी है या वीडियो लेना है वीडियो में आप आ आ आ बोलेंगे तो दिख जाएगा टंग निकाल के टंग अंदर करके उसमें कुछ टेस्ट भी होते हैं अगर हम चाहें तो पीछे से थ्रोट स्वैब ले सकते हैं थ्रोट स्वैब को कल्चर के लिए भेज दें तो उसमें ग्रो हो जाएगा अगर कोई बैक्टीरिया होगा वायरस के लिए टेस्ट किया जा सकता है लेकिन जैसे आपको पता है एक एक वायरस के लिए टेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है इसलिए ग्रो करके ये पता कर लेना कि उसमें बैक्टीरिया है कि नहीं उतना काफ़ी है बैक्टीरिया नहीं है तो वायरसेज का ट्रीटमेंट तो एक बराबर ही है उसके लिए कोई स्पेशल दवा तो आती नहीं है ठीक है तो वायरसेस के लिए कोई एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है बैक्टीरिया के लिए एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक अगर डाउट लग रहा है तो दिया जा सकता है स्ट्रेप्टोकोकल स्ट्रोथ कल्चर्स किए जा सकते हैं स्ट्रेप इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड वन ऑफ द मोस्ट जिन्होंने अभी तक रेजिस्टेंस हो गया है वो स्ट्रेप्टोकोकस याद रखिए सुपर बग्स आप ही क्रिएट करते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर ध्यान थोड़ा दें ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा आपके कंडीशन पे आपके बुखार पे अगर माइनर गला खराब है तो दवाई लेके आप थोड़े दिन में ठीक हो जाएंगे बहुत ही कम गला खराब है तो कई बार सिर्फ बिटाटिन के गरारे भी काफी आ जाते हैं गर्म पानी के गरारे भी काफी आ जाते हैं क्योंकि अगर वायरल है तो वायरल में तो कुछ करना ही नहीं है बैक्टीरियल है बैक्टीरियल में भी बीटाटिन के गारगल काम आ जाते हैं तो मैं अपने तरफ से अपने पेशेंट्स को पैरेंजाइटिस के लिए एंटीबायोटिक कम ही देता हूँ बहुत ना के बराबर ज़रूरत पड़े तो ही देता हूँ ज़्यादा बुखार है तो ही देता हूँ वरना नहीं ठीक है और उसके केस में हम देते हैं विटाडिन के गार्गल्स मैं देता हूँ कई बार अगर ज़रूरत पड़ती है थ्रोट के लोजेंजल्स बहुत ज़्यादा पानी आराम गर्म पानी के गार्गल्स और फिर अगर पेन फीवर होता है तो सिंपल आपकी कोल्ड की मेडिसन्स भी आती हैं और एंटी एलर्जिक भी आती हैं एंटी इस्टामिन भी आती हैं और सिंपल पैरासीटामोल से भी काम होता है तो सिंपल ट्रीटमेंट सिंपल नॉलेज से आपका काम होता है पता होना चाहिए कितने दिन का इलाज है पता होना चाहिए क्यों हो रहा है पता होना चाहिए क्या हो रहा है तो कृपया अगर कोई केमिस्ट देख रहे हैं तो हाथ जोड़ के बिनती है भैया कुकर में बंद कर दो जी हाँ मुझे पता है आपके चार रुपए का नुकसान होगा आगे लोगों की भलाई के लिए कुछ तो करना चाहिए अगर मान लो किसी का कॉम्प्लिकेशन आ गया पैरेंजाइटिस टॉन्सिलाइटिस में तो क्या हो जाएगा अगर स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस है बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया से कई बार आपका इम्यून सिस्टम रिएक्ट कर सकता है ऐसे में कई बार बैक्टीरियल एंटीजेंस के वे आपके बॉडी के दूसरे हिस्से में डैमेज होने के चांसेस होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस के थ्रोट इन्फेक्शन के बाद लंबे समय में रोमैटिक फीवर या रोमैटिक हार्ट डिजीज या किडनी डिजीज होने के चांसेस होते हैं सबको नहीं होता है ये रेयर होता है लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को होता है ठीक है कितने लोगों को कितने परसेंट अभी नहीं कहा जा सकता सो दैट इज़ देयर सो की पॉइंट याद रखिए दोनों के दोनों में सेप्टोग और गले के इन्फेक्शन में आ, आपको सिम्टम्स सिमिलर हो सकते हैं पता कैसे चलेगा देख के अंदर देखेंगे तो पता चलेगा साफ साफ दिख जाएगा ज़्यादातर केसेस में वायरस होते हैं तो एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती है एंटीबायोटिक की जरूरत होती है तो पूरा कोर्स करना होता है एंटीबायोटिक के जगह बिटाटिन गारगर्स कर सकते हैं बच्चों में बार बार इन्फेक्शन हो रहा हो तो टॉन्सिल्स निकालना भी पड़ सकता है इन्फेक्शन टॉन्सिल यह बड़े बड़े हो जाते हैं फिर है ना कि इतने इतने रहने की जगह वो इतने इतने हो जाते हैं जगह ही पूरी खा जाते हैं तब भी टॉन्सेस निकालना पड़ सकता है सो दैट इज़ देयर सो जिसको बहुत ज़्यादा टॉन्सिलाइटिस का इशू आ रहा है ई e एन टी डॉक्टर के पास जाके दिखाएं और वो आपको बताएंगे आपको दवा खानी काफ़ी है या आपको टॉन्सिल्स निकालने पड़ेंगे याद रखिए जितने बड़े बड़े टॉन्सिल्स होते जाते हैं उनकी रिएक्टिविटी और बढ़ती जाती है बिल्कुल वैसे कि जैसे आपके घर के बगैर बहुत घर के बाहर बहुत बड़ा पुलिस स्टेशन है तो घर के बाहर दंगा नहीं हो सकता थोड़ा सा भी गड़बड़ होगी तो पुलिस आ हाँ जाएगी वैसे ही यहाँ पर है अगर बहुत बड़े बड़े टॉन्सिल्स हो जाएंगे थोड़ा सा भी इन्फ्लॉर्मेशन होगा तो टॉन्सिल्स रेड रेड हो जाएंगे अरे क्या हो रहा है समथिंग लाइक दैट सो आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ तो दिस इज इट अगर आप बात अच्छी लगी समझ आई तो इसको शेयर करो लाइक करो सब्सक्राइब करो वीडियो को धड़ा धड़ धड़ा धड़ भेजो थैंक यू सो मच और किसी के पास कोई सवाल है तो जरूर लिखिए स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्दी